हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और साइट पे। और यहाँ पे पोर्च की कास्टिंग होनी है। देखो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, नीचे बजरी जो पड़ी हुई है, इसे बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। ये 20 mm का साइज है। ये डस्ट है नीचे, जिसे हम कोर्स सैंड भी बोलते हैं और क्रेसर भी बोल देते हैं। ये है इसका फोल्डिंग आपकी। इस साइट पर शटरिंग चल रही है, छत की शटरिंग होनी है। आगे चल के इस पर छत भी डलनी है, तो उसके लिए शटरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और इस शटरिंग के लिए जो ये वर्टिकल्स खड़े किए हुए हैं, इसको बोलते हैं इसका फोल्डिंग। यहाँ सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये रैंप टाइप, ये स्टेयर केस बनना है यहाँ पे। इसकी वीडियो अलग बनाऊंगा मैं, उसमें छोटी छोटी जो ट्रेड क्या होता है, राइजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहो आप। अब यहाँ पे देखो एक कैंटिलीवर बीम आपको शायद दिखाई ना दे रहा होगा अच्छे से, पर एक कैंटिलीवर बीम है यहाँ पे, जिसमें स्टील जो है कैंटिलीवर में, पता है ना आपको, स्टील ऊपर मेन स्टील होता है और बॉटम में एंकर बार्स होते हैं। अब ये देखो यहाँ पे आपको ये स्टेयर अपना, ये पोर्च का स्टील बंधा हुआ है यहाँ पे। ये इन्वर्टेड बीम है अपना। इस बीम की डिटेलिंग अभी मैं आगे बताऊँगा आपको। ये कॉलम है साथ में इसके, पोर्च के दोनों साइड में कॉलम है। और इस कॉलम के साथ ही हमने एक बीम डाल रखा है। ये जो बीम आपको, ये बड़े मोटे मोटे सरिये दिख रहे हैं ना आपको, ये 16 mm के सरिये हैं और इसी की बात कर रहा हूँ मैं। बीम यही बांधा हुआ है बीम। इसमें स्टीरअप्स भी दिखाई दे रहे होंगे आपको। स्टीरअप्स का मतलब होता है रिंग। ये है कैंटिलीवर बीम इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बीम का मतलब है कि ये 9 इंच बाई 9 इंच का बीम है और हमारे जो पोर्च की स्लैब है वो 6 इंच की है। तो 9 इंच में से 3 इंच जो पार्ट रह गया बीम का, वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये कैंटिलीवर बीम का हमने जो सरिया है सारा का सारा ऊपर निकाल रखा है कॉलम में 5 फीट तक। ये बीम है आपका, इसमें टॉप में देख लो आप सरिये कैसे दे रखे हैं। जो हम, मैं कैंटिलीवर बीम बता रहा था, इस कैंटिलीवर बीम के चारों सरिये 2 12 के नीचे हैं और 2 16 के ऊपर हैं, वो सारे कॉलम में हमने 5 फीट तक निकाल रखे हैं। ये पोर्च का स्टील हो गया आपका, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं दिखाऊंगा किसी में आपको कि चिमटा कैसे बनता है। ये एक और बीम है, इसमें भी स्टीरअप्स डाले हुए हैं 8 mm के, 6 इंच सेंटर टू सेंटर। तो जितना आपको समझ में आ रहा है इतना बहुत है, इतना काफ़ी है। और हम धीरे 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 इस चैनल से जुड़े रहोगे आप, तो और डिटेलिंग में वीडियोस में डालूंगा। तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। ये हमने क्या किया, यहाँ पे कवर ब्लॉक लगा लिए हैं नीचे और कास्टिंग के लिए तैयार हैं हम। इस शटरिंग का लेवल हमने सारा चेक कर लिया है। और ये सेंटर में आपको दिखाई दे रहे हैं 2 पाइप, ये हमने एक इलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है। ये होगी कास्टिंग, इन्वर्टेड बीम आपको दिखाई दे रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।